हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, चैप्टर 4 है। कल बेटा हमने डिवीजन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स बोल की थी, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स करेंगे। तो बेटा आपने ये याद रखना है, जब हम दो चीजों की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखिए जैसे -9 एंड -3 है, आप एक बार इसको मत देखिए, जैसे -9 और -3 है, जब दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो साइंस को किस तरह से रीड करना है आपने। तो देखिये, अगर आपके पास दो साइन है यानी कि माइनस और माइनस आ जाता है, दोनों में मल्टीप्लाई का सिम्बल है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो वो प्लस ही रहता है। प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से होती है तो माइनस होता है, माइनस की मल्टीप्लाई भी प्लस से हो जाती है तो माइनस होता है। कहने का क्या मतलब है, सेम वही जो हमने कल साइन किए थे ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसमें भी माइनस माइनस प्लस, एक जैसे साइन हो तो वो प्लस का सिंबल देगा, एक जैसे साइन है प्लस का सिंबल, साइन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है तो माइनस का सिंबल, यहां भी जो सिंबल है वो डिफरेंट है तो माइनस का। उसमें बेटा हमें ये होता था कि अगर हमने माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम उन टीजर्स का ही प्लस कर देते थे। जैसे आप देखिए -3 -2 है, तो इसमें हम कहते थे माइनस माइनस प्लस, तो हम इन इंटीजर्स का क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे, 3 में 5 जोड़ देते थे, और इनमें से जो बड़े वाला इंटीजर है उसका साइन हम अपने आंसर के आगे लगा देते थे। ठीक है, इसमें जो सिंबल है वो हमारी किस चीज में हेल्प करते थे कि हमने उन इंटीजर्स का प्लस करना है कि माइनस करना है। बट अब ये वाले इंटीजर्स तो हमें सिंबल ये बताएंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि करना तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे आप देखिए -9 -3 -2, सबसे पहले हम इन दोनों को करते हैं बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया हमारे प्लस, प्लस, और 9 को जब हमने 3 से क्या किया यानी कि माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई की वो होगी प्लस, और जब 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 9 3 27, क्रॉस कर दिया हमने ये पीछे वाली रकम जो भी हमने सॉल्व नहीं की। अब ये वाला प्लस और ये वाले माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होता है बेटा, माइनस, और 27 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, क्लियर हो गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई की माइनस, 27 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना आ गया, 54। ओके, अब इसी तरह से बेटा हम एक और सम सॉल्व करेंगे, 7 x -2 x 3। ठीक है, अब जिस इंटीजर के आगे कोई साइन नहीं होता ना बेटा, उसके आगे प्लस का साइन होता है, आपने हमेशा याद रखना है। अब इस प्लस की जब हम इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, माइनस। ठीक है, और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना, 7 2 का कितना होता है, 14। अब क्रॉस और ये +3। ठीक है, अब इस माइनस की इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है, माइनस। अब इस 14 की हम 3 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि इंटीजर की इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई, साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12, और ये हमारे पास कितना आ गया, 3 1 3 और 1 कैरी हो गया, 42। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, -42। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम एक और सम करते हैं बेटा, देखिए ये थोड़ा सा और आ गया कि अब ये है कि यहाँ पे हमारे प्लस प्लस का साइन है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई का सम आ गया ना, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, और 9 की जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या गया, 9 2 क्या हो गया हमारे पास, 18, और यहाँ पर हमारा प्लस है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन, प्लस की माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई कितनी होगी हमारे पास, माइनस, और 9 4 कितना हो गया, 36। ठीक है, अब ये प्लस 18 को हम 18 ही लिख देते हैं, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 36, प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पर आ गया 36, और इसके आगे क्या है, प्लस का साइन। अब प्लस माइनस क्या होता है बेटे,
ये दोनों साइन डिफरेंट है ना, डिफरेंट साइन का आंसर क्या होता है माइनस। तो मतलब अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 36 में से आप 18 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाता है, 18 ही आ जाएगा, क्योंकि 18 टू जा क्या होता है हमारे पास 36 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 18। बट अब इसके आगे क्योंकि प्लस माइनस का सम आ गया, क्योंकि ये मिक्स सम है बेटा, बीच में इसमें मल्टीप्लाई वाला जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं और बीच में प्लस वाला टॉपिक है जो कि हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या आ गया, माइनस। तो हमने 18 और 36 को माइनस किया तो 18 ही आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब साइन कौन सा लगाएंगे जो इनमें से ग्रेटर इंटीजर है, उसके आगे माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पे माइनस का लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कि अगर आपके पास ऐसे सम आ जाते हैं कि -3 raised to power 4, इसको बेटा बेस बोलते हैं, इसको इसकी पावर बोलते हैं, इसको इंडेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बेस होता है, ये इंडेक्स होता है, एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं इसको। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है बेटा, इसका मतलब है कि -3 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी इसको हम ये लिखेंगे कि -3 को हमने 3 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम लिखना है। ठीक है, -3 की पावर 4 का मतलब है -3 को हम 4 टाइम लिखेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ -5 की raised to power 3 है, तो इसका मतलब -5 को हम कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम ये वाला सम देखें, इसमें क्या है बेटे, -5 को हम 2 टाइम लिखेंगे, ये देखिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन, -2 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -4 raised to power 4, यानी हम -4 को 4 टाइम्स लिखेंगे, क्रॉस -4 इस तरह से लिखेंगे, और बाद में इनको हम मल्टीप्लाई वाले रूल से सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखिए, फर्स्ट सम देते हैं, ये फर्स्ट सम था, ये सेकंड है, आगे ये थर्ड आएगा, पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। -3 को -3 से देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया हमारे, प्लस प्लस, मल्टीप्लाई है ना, 9 9 कितना हो गया, 3 3 9। अब ये क्रॉस, अब इनको भी कर देते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 3 3 जा कितना हो गया, 9। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या होता है, प्लस ही होता है, और 9 9 जा कितना होता है, 81। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 81 आ गया। ओके, क्लियर है आपको, ये 81 हमारा क्या हो गया आंसर, 9 9 जा 81, तो 81 आंसर आ गया। अब हम ये 5 वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया प्लस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25। अब ये क्रॉस जो पीछे वाला -5 है वो एज इट इज लिख दिया हमने। अब इस प्लस को जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा जैसे ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया बेटा वो आ गया 25, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया वो आ गया प्लस। ठीक है, अब ये क्रॉस, अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। ठीक है, यहाँ आ गया 8। जब हमने इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया वो आ गया प्लस, उस प्लस को जब हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस, क्रॉस। अब ये देखिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस। अब फिर इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, और इस माइनस को माइनस से किया तो प्लस 16। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम इन सभी के साइन देखते हैं। ये प्लस को जब माइनस से करेंगे तो माइनस, ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस, और 25 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 जा कितना होता है, 200। ओके, और 16 को जब हम 16 से, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही हो गया, तो 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 256। ओके, अब यहाँ इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 512, और ये 2 जीरोज हैं वो हम यहाँ लगा देंगे, 512 और 2 जीरोज लगा दी, 256 टू जा कितना आता है, 512 और 2 जीरोज हमने लगा दी, दैट इज योर आंसर। थैंक यू।